हाय नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल इंडियन आर्मी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं जनरल अवेयरनेस से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आने वाले एग्जाम रेलवे लोको पायलट ग्रुप डी स्टेट पुलिस जो भी एग्जाम होने वाले हैं सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महाVVI है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और एक बार दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ आप आसानी से देख सकें। और एक बार दोस्तों, ये वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू किया जाए। पहला सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस राज्य से संबंधित है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस राज्य से संबंधित है या कहां से शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। दोस्तों हरियाणा से, यानी कि हरियाणा में ही 22 जनवरी 2015 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह योजना का शुरुआत किया गया था। और दूसरा क्वेश्चन है, ऑपरेशन दुर्गा का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों ऑपरेशन दुर्गा का संबंध हरियाणा से है और इस ऑपरेशन के तहत यानी कि मंचलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसका यानी कि इसका शुरुआत 13 अप्रैल 2017 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया था। और ये क्वेश्चन बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर घर बिजली योजना का प्रारंभ किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों घर घर बिजली योजना का प्रारंभ बिहार में किया गया है और इसका प्रारंभ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? तो 15 नवंबर 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग्य लक्ष्मी योजना कहां शुरू किया गया है? तो दोस्तों भाग्य लक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है और इस योजना के तहत जो यानी कि उत्तर प्रदेश में जो लड़की जन्म लेगी उसके नाम पर 50,000 रुपया उनके खाते पर जमा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव आवास योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो दोस्तों भीमराव आवास योजना झारखंड में शुरू किया गया है और इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को आवास देने की लक्ष्य है या घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलामती योजना कहां शुरू किया गया है? तो दोस्तों सलामती योजना हरियाणा राज्य में शुरू किया गया है और हरियाणा राज्य जो है प्रथम राज्य है जिसने सलामती योजना को शुरू किया है और इस योजना का प्रमुख कार्य है महिलाओं टीकाकरण या परिवार नियोजन, महिला टीकाकरण या परिवार नियोजन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर उजाला योजना कहां शुरू किया गया है? तो दोस्तों सौर उजाला योजना छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है और इस योजना के तहत किसानों को सौर प्लांट ऊर्जा की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए सौर प्लांट ऊर्जा का व्यवस्था किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन पेयजल योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो दोस्तों मिशन पेयजल योजना महाराष्ट्र में शुरू किया गया है और इस योजना के तहत महाराष्ट्र के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सचेत ऐप का संबंध किससे है? तो दोस्तों सचेत ऐप का संबंध है बैंकों में धोखाधड़ी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभ ऐप का संबंध किससे है? तो दोस्तों आरंभ ऐप का संबंध है सड़कों के रख रखाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज ऐप का संबंध किससे है? तो दोस्तों तेज ऐप का संबंध है डिजिटल पेमेंट या कैशलेस, डिजिटल पेमेंट या कैशलेस, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम ऐप का संबंध किससे है? तो दोस्तों भीम ऐप का भी संबंध है कैशलेस या डिजिटल पेमेंट। ये जो भीम ऐप है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था कैशलेस इंडिया के तहत, तो इसका आंसर हो जाएगा कैशलेस या डिजिटल पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम डिजिटल राज्य कौन है? तो दोस्तों भारत का प्रथम डिजिटल राज्य है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम डिजिटल जिला? तो दोस्तों भारत के प्रथम डिजिटल जिला है नागपुर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम डिजिटल गांव जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा अकोदरा। अकोदरा किस राज्य का गांव है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कैशलेस राज्य? तो दोस्तों भारत का प्रथम कैशलेस राज्य गोवा को घोषित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कैशलेस जिला? तो दोस्तों भारत का प्रथम कैशलेस जिला है हेलाकांडी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कैशलेस शहर? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कैशलेस गाँव? दोस्तों भारत का प्रथम कैशलेस गाँव है धसाई जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है और भारत में स्मार्ट सिटी का प्रथम चरण का प्रथम शहर जिसे स्मार्ट सिटी घोषित किया गया वो कौन सा है? तो दोस्तों वह शहर है भुवनेश्वर जिसे भारत के प्रथम चरण में प्रथम स्मार्ट शहर घोषित किया गया
वो हो जाएगा आंसर भुवनेश्वर उड़ीसा। और प्रथम शहर में कुल कितने शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 सिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी के दूसरे चरण में प्रथम शहर जिसे स्मार्ट सिटी घोषित किया गया, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्मार्ट सिटी के तीसरे चरण में प्रथम स्मार्ट शहर किसे घोषित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। और औरंगाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है, और एक औरंगाबाद बिहार में भी है, और एक औरंगाबाद आंध्र प्रदेश में भी है। तो महाराष्ट्र वाला जो औरंगाबाद है, जहाँ की बीवी का मकबरा है, उस औरंगाबाद को यानी कि तीसरे चरण में प्रथम यानी स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है। और तीसरे चरण में कुल 27 शहर को स्मार्ट सिटी यानी कि बनाने की घोषणा की गई थी, दूसरे चरण में 13 सिटी को और प्रथम चरण में 20 सिटी को। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट गंगा सिटी योजना का प्रथम चरण में प्रथम शहर कौन है जिसे स्मार्ट शहर घोषित किया गया, तो दोस्तों वह शहर हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। और इस योजना में यानी कि स्मार्ट गंगा सिटी योजना में यानी कि प्रथम चरण में कुल 10 शहरों को स्मार्ट घोषित करने का योजना बनाई गई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जो भी क्वेश्चन था, आप यदि इस क्वेश्चन को यानी कि अच्छे से याद करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही काम देगा और बहुत ही VVI क्वेश्चन है। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ आप आसानी से देख सकें। दोस्तों मैं हर एक दिन कुछ ना कुछ लेकर आते रहता हूँ जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, खासकर आने वाले एग्ज़ाम रेलवे ग्रुप डी, लोको पायलट और स्टेट पुलिस के लिए तो बहुत ही VVI होता है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमारे वीडियो जो अपडेट होता है उसे अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।